अली अलग अलग जब आप मैं ये कहता हूं कि उसने एक जाली काम किया तो नकली जाली का मतलब क्या है उसके बाद जाली नोट है उसके नोट तो, 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 तो उसके बाद नोट कैसे है आप ये तो उसके बाद जाली नोट है वहां पे आप क्या बोलते इसको जाली बोलते पर जब मैं यह कहता हूं कि वह मुझे जाली में से देख रहा था खिड़की है ना मतलब जाली जाली एक अलग चीज है जाली अलग इसका मतलब दोनों के प्रयोग एक जैसे तो नहीं हो सकते मैं यह कहता हूं मैं किसी को आप में से कहूंगी मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा पापा आने दो इस बार तुम्हारे इसका मतलब मैं मुझे पता है कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे यही वह मैं तुम्हारे रहस्य भेद सीक्रेट बता दूंगा तुम्हारे तुम पढ़ते नहीं हो यहां पे तुम मस्ती करते रहते हो मैं जब यह कहता हूं मैं पोल खोल दूंगा मतलब दरवाजा का मतलब क्या होता है पांडु पोल राम पोल भैरव पोल हनुमान पोल लिखा ना तो पोल का मतलब दरवाजा पोल पोल अलग वर्ड अलग वर्ड है है पोल है अलग है। तो अलग तो हुआ करता था लय अलग हुआ करता था ये तो अब धीरे 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 अपनी राजस्थानी गायब हो गई अपने बोलते नहीं है तो अपने से नहीं तो अड़ लिखा जाता है बोला जाता है तो शहर वाले टाबर तो आजकल ऐसे बोलते हैं गली नाली और अपने जब उनके सामने जाकर हैं गली नाड़ी तो अपने बहसते हो रहे हैं कि मूर्खों को देखो रहे लीचड़ों को अभी तक बोलना नहीं है और अपने को आए कहां से यार मदर टंग वो रही भी है। अपने राजस्थान के लोगों के साथ में सबसे बुरी समस्या यही भी कि अपनी मदर टंग अलग और शिक्षा अलग दुनिया के तमाम विद्वान ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में हुई नहीं अपनी मातृभाषा राजस्थानी शिक्षा हिंदी इसलिए अपने को हिंदी कभी शुद्ध बोलनी आई नहीं आए कहां से अपने अंदर वो राजस्थान वाला पुट जा ही नहीं रहा वो भयंकर वाला अंदर है अपने। ये ये होता कि शुरुआत से अपने एजुकेशन इसके अंदर भी होती शायद दूसरी भाषा भी सीख लेते हिंदी भी थोड़ी और ढंग से आने लग जाती पर अब अपने घर की भाषा रही अलग स्कूल की भाषा रही घर में हिंदी बोलते तो घर वालों को समझ नहीं आती स्कूल में मारवाड़ी बोलते तो स्कूल वाले ठोकते अब टाबर सॉरी तो साल का जब तक नहीं हो जाता तब तक तो घर पे रहता चार पांच साल का होता तब जाता बच्चे की प्रोसेस तो बचपन से शुरू हो जाती की। मम्मी से है पापा सीखता है घर में आसपास से देख के सीखता है तो मैं वो हमेशा हंसता हूं यार अपने राजस्थान में खरगोश को बोलते हैं सुसिया खरगोश क्या कहते है? हैं सुसिया कहते हैं सुसिया अब छोटा टाबर होता है उसने खरगोश देखा मम्मी ने कहा कि ओ सुसियो है सुसियो उसके दिमाग में एक छवि बनेगी ये ये जो व्हाइट कलर का जानवर है ये क्या है सुशी ये सुसिया सुशी अब वो गया इस स्कूल इस स्कूल के अंदर जाते उसको कहके सिखाए और मैम ने कहा कि बच्चों खे से खरगोश और खरगोश की फोटो दिखाई और जैसे खरगोश की फोटो देगी बच्चे ने कहा सुशी है अब मैम फिर समझाएगी नहीं बच्चों इसको सुशिया नहीं बोलते हैं ये खरगोश होता है खरगोश इसे खरगोश कहते पर बच्चा वान तोड़ जाए।, तो जाए ना वो मुझे तो और जोरदार लगता है क्या राजस्थान में किसी बच्चे को कहते हो आप अनार उसने अनार देखा ही नहीं होता है उसे कैसे समझ जाएगा ऐसे अनार क्या तो पहली बात तो अनार देखा नहीं और यदि किसी ने अनार देखा तो उसने कहा दड़म अनार को तो बोलते दड़म अनार तो किसको अनार मिले यार

तो राजस्थान के किसी बच्चे को अनारगे से पढ़ा सकता है तो अपनी एजुकेशन सिस्टम ही कोलप्स कर गया प्राथमिक शिक्षा वाला जो था तो प्राइमरी एजुकेशन में अपने साथ बहुत बुरा हुआ है वरना पंजाब के लोग प्राइमरी एजुकेशन पंजाबी में लेते हैं गुजरात वाले गुजराती के अंदर लेते हैं महाराष्ट्र वाले मराठी में लेते हैं साउथ वाले अपनी अपनी भाषाओं के अंदर लेते हैं केवल और केवल वो दुर्भाग्यशाली लोग हम हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा के अंदर हमें एक दूसरी भाषा पकड़ा दी गई जिस भाषा से हमारा कोई भी लेना देना आज हिंदी अपने सीख गए बोलते बोलते तो अपने को लगता है कि हिंदी हमारी भाषा है नहीं है इसलिए आज भी जब हम हिंदी बोलते हैं उसके अंदर अपना पुट आता है वो गांव वाला पुट आए बिना रहता नहीं है अपना उसका कारण है कि भाई हिंदी अपनी भाषा नहीं है कोई भी बंदा अपनी ही भाषा शुद्ध बोल पाता है बाकी कोई भी भाषा बोलेगा उसके अंदर थोड़ी बहुत वो बातें आए बिना नहीं रहती है क्या बाकी दुनिया के सारे लोग हिंदी शुद्ध बोलते हैं ये यूपी बिहार वालों की सुन लो आप ये पुलिंग स्त्रीलिंग है जीव से बना देते हैं एक छात्र आप खूब सारे बेटे छात्रों तो मैं मैंने 500 छात्रों की एक कक्षा में पढ़ाया सेंटेंस सही सेंटेंस है हम दिल्ली रहा करते हमारे साथ झारखंड के लड़के रहा करते वो बोलते जब खूब सारे होते कहते छात्रा आज हम 500 छात्रा के बीच में बोले मैं एक भी लड़का नहीं था कि नहीं तो छात्रा थे सब हां तो मैं यही कह रहा हूं सब लड़कियां थी अरे हम कह रहे सब थे वहां पर लड़के भी थे और लड़कियां भी थी कैसे छात्राओं को कैसे बनाया जा सकता है पर वो बोलते मैं ये कहता हूं जब कहता हूं कि आप में से कोई खड़ा हो और आप में से खड़ा हो सर मुझे आज की क्लास समझ में नहीं आई मेरे समझ में आता है भाई ये एक पर्टिकुलर बंदा है जिसको मैंने जो आज पढ़ाया था समझ में नहीं है मैं अभी अपने भी देखता हूं कि बटा बह कहता है सर हम समझ नहीं पाए हम कौन पांच सात है <laughs> कौन कौन है तुम्हारे साथ में होता? नहीं सर हम हम बहुवचन है तो नहीं बोल सकता मैं एक वचन होता है हम अपने आप बोलते ये यूपी वाले सर हम हम बोल सारे हम बोलते। उल्टे मैं के लिए तो कहते क्या बकरी की तरह मैं मैं करते रहते हैं मैं तो होता ही नहीं है हम होता अरे नहीं होता हिंदी गलत हो जाएगी तुम्हारी पूरी की पूरी मैं एक वचन है हम बहुवचन है तो भाषा में बोलियों का आए बिना नहीं रहता है पर ये अपने तो हीन भावना और बढ़ी गई अपने को कहीं कही ना कहीं लालू प्रसाद यादव जब हिंदी में अपने बिहारी टोन लेके आता है वो गर्व के साथ कहता है कि मैं बिहारी हूं और मैं ऐसे ही बोलूंगा और मेरी बोली ऐसी ही है ये केवल एकमात्र गिल्ट लेके हम घूमते रहते हैं कि अपने से यदि राजस्थानी के वर्ड निकल जाते हैं तो अपने हंसी उड़ा देते हैं उस आदमी की अपने किसी आदमी के बोलने पर प्रसन्न चिन्ह लगाते हैं और अपने कहते हैं देखे यार बोलना ही नहीं आता इनको तो हिंदी बोल ही नहीं आता कैसे आएगी हिंदी बोलने कैसे सीख सकते हैं हम हिंदी जब हिंदी हमारी भाषा ही नहीं है बच्चा भाषा वही सीखेगा जिसका वो बर्ताव करता है आसपास में और हम हिंदी में कोई भी बर्ताव नहीं करते थे हिंदी केवल हमारे लिए छह घंटे की भाषा थी स्कूल की छह घंटे के बाद हमने हिंदी कभी हमारी जिंदगी में बोली घर पे बोले तो मारवाड़ी आस पड़ोसियों से बोले तो मारवाड़ी तो कहां से आती वो भाषा फिर हिंदी थोड़ी बहुत सीखनी शुरू की इतने में का अंग्रेजी और सीखो तो न तो अपने इधर के बच्चे न अपने उधर के बच्चे तो अपने साथ समस्या इसलिए है इसलिए जब मैं अड़ा लिखता हूं तो बच्चों को लगता है लिख क्या दिया और अपने राजस्थान का तो दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह रहा हमने हमारी लिपि खो दी हमारे जो लिखने का तरीका था हमें हम से एक आदमी नहीं जानता कि वो पहले लिखते कैसे थे दादाजी की उम्र के लोग आज भी अणा ऐसे नहीं लिखते उनका अणा ये है दादाजी की उम्र के लोग आज भी खय ये होता ही नहीं यार अपना खय ये है स्टूडेंट कहता है सर ये तो सटकोण वाला सह मगर ये तो अपने होता ही नहीं था अपने सह एक ही होता था ये दोनों सह इस्तेमाल ही नहीं होते थे अपने दोनों आते ही नहीं थे अपने खरगोश लिखना होता तो ये लिखते ये अपना खरगोश ये खै अच्छा ये हिंदी होती है जब आप किसी आदमी का नाम लिखते हो सिंह है या तो ये लिखते या जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं जब आप किसी आदमी का नाम बोलते हो ना जेत सी इसका मतलब उसका नाम जेत सी नहीं है उसका नाम है जेत है हिंदी होती तो ये नाम होता उसका पर अपने जैसे बोलते वैसे लिखते तो आपने कभी बोलते भी किसी आदमी का नाम महेंद्र सिंह है तो अपने कहते महेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह सी, सी बोलते हैं तो सी लगा दिया करते पीछे तो नाम जेत सी नहीं है इस आदमी का इसका नाम तो जेत सिंह है लेकिन वो अपने है खा जाते अपने जैसे बोलते थे वैसे उसको लिख लिया करते आप पुराने कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे उनके अंदर जय ये मिलता ही नहीं है झंडे वाला तो ये है झुंझुनू वाला झुंझुनू लिखेंगे तो ये लिखेंगे ये जय है अनय है ये खय है हम भूल गए लिपि मारी गई मतलब अपने बड्ड के ऊपर बैठ के जार जार रोते होंगे कि क्या बेलखनी औलादे पैदा हुई जिन्होंने सत्तर साल के अंदर भाषा मार के रख दी दुनिया की तमाम भाषा के लोग अपनी छोटी सी छोटी भाषा के लिए आंदोलन करते हैं छोटी सी छोटी भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं कि अंडमान निकोबार की जारवा जनजाति की भी भाषा उसको बचाओ क्यों बचाओ जारवा वाली नहीं साहब भाषा मरनी नीचे यार भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य की भाषा मर गई किसी को दुख भी नहीं होता उसकी भाषा का कोई जान ही नहीं रहा है कि इस प्रकार की भी कोई चीज है क्या मैं कन्हैयालाल सेठिया कई साल पहले बोल के गए थे कि जिनको जिन शर्म आती है ऐसे कपूतों से हम बेहद दुखी है भाषा है संजीवनी जे को ये हड़मान लिया उठ बैठो वीछवण राजस्थान भाषा संजीवनी है यदि कोई आप में से हनुमान जी है तो उसको लेके आओ ताकि राजस्थान जिंदा हो वरना वो लक्ष्मण के रूप में मूर्छित है तो हम एक अलग और इतनी रिच भाषा जिसका इतना पुरानी हिस्ट्री इतना पुराना इतिहास मैंने इतनी किताबें लिखवाई यार आपको इनमें तो से खूब सारी किताबें राजस्थानी भाषा के अंदर है तो कब से मध्यकाल से उससे पुरानी अपनी भाषा चलती आ रही है भारत सरकार कहती है राजस्थानी नाम की कोई भाषा नहीं होती वसुंधरा जी ने कल लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए मगर आप खुद भी तो दो बार सीएम बने थे तब आपके दिमाग में नहीं आई तब भी तो लोग कही रहे थे कि ठीक है राजस्थान की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रख लो लेकिन कम से कम सेकेंड से लैंग्वेज तो राजस्थानी हो क्या दुर्भाग्य है कि राजस्थान का एक विधायक जो राजस्थान के लोगों के वोटों से जीत के आता है उन लोगों के वोटों से जीत के आता है जो मारवाड़ी बोलते हैं राजस्थानी बोलते हैं वो राजस्थान की विधानसभा में खड़ा होकर राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकता जब उसको राजस्थानी में शपथ लेनी होती है तो स्पीकर महोदय साफ कहते हैं नहीं आठवीं अनुसूची के अंदर जो जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में से शपथ ले सकते हो अन्य किसी भी भाषा के अंदर तुम शपथ नहीं ले सकते और वो बेचारा चुपचाप किसी हिंदी में अंग्रेजी में संस्कृत में उर्दू में शपथ ले लेता है नेपाल की संसद में अपने हनुमानगढ के एमपी जीते हुए हनुमानगढ़ के सेठ है वहां रहते हैं सुरेश कुमार पातेडा जैसा कोई नाम है शायद वो वहां नेपाल की संसद में इस बार राजस्थानी में शपथ ली उन्होंने नेपाल की संसद ने राजस्थानी को मान्यता दे रखी है अमेरिका के व्हाइट हाउस में राजस्थानी को मान्यता है राजस्थान में नहीं है इंडिया में नहीं है यहां मान्यता मैथिली संथाली डोगरी और बोडोग है जिस तो बोडो को कोई जानता ही नहीं होगा कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है पर उसको मान्यता है आपकी भाषा को मान्यता फिर कोई ना कोई आ जाता है कई एक अलग लेवल के क्यूट लोग होते नहीं है तो क्या है डूंगरपुर तो तो में अलग बोलते हैं है, है। है। ये बोलिया हैं बोलियां है। मैं भाषा बोल रहा हूं इतनी देर से बोली प्रत्येक भाषा में खूब सारी बोलियां होती है अंग्रेजी पढ़ते हो तब तो तुम कहते हो कि कलर की स्पेलिंग इंग्लैंड में अलग और अमेरिका में अलग कि अमेरिका वाले सी ओ एल ओ आर लिख देंगे तो भी तुम्हारा कलर सही और इंग्लैंड वाले ऐसे लिखेंगे तो उसमें ओ यू आर करना पड़ेगा तुम्हें क्यों तो नहीं ये अमेरिकन इंग्लिश है ये इंग्लिश तो यही क्यों होनी चाहिए ना क्योंकि तुम जानते हो कि बोलियां हैं अमरीका वाली अलग इंग्लैंड वाली अलग मैं पंजाबी समझता बोलता पढ़ता लिखता सब हूं पूरी आती है पंजाबी मुझे बहुत ढंग से पंजाबी आती है पर मुझे बोलने का जो एक्सेंट आता है या जो बोली मुझे समझ में आती है वो ये पंजाबी आती है जो राजस्थान के टच करते हैं अबोर फजिलका ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं यहां वाली पंजाबी में बहुत जल्दी ग्राफ करता हूँ बहुत जल्दी समझता हूँ ये का ये कोई आगे जलंधर से आगे वाली पंजाबी बोले मुझे दो बार समझना पड़ता है कि बोल क्या रहा है उसके भाषा की शब्द अलग दुनिया की कौन सी भाषा एक जैसी है क्या गुजराती पूरे गुजरात में एक जैसी बोलते हैं साबरकंठा वाला अलग बोलता है पंचमहल वाला अलग बोलता है गांधीनगर वाला अलग बोलता है सूरत वाला अलग बोलता है अहमदाबाद वाला अलग बोलता है बॉम्बे वाली मराठी सुनो टपोरी लैंग्वेज है ए बीड़ू भाई और ये मुझे बता दो कि महाराष्ट्र में इसके अलावा और कहां बोलते हैं कहीं नहीं बोलते विदर्भ की मराठी अलग पुणे की मराठी अलग बाकी किसी और जगह की देखोगे वहां की मराठी अलग मद्रास की तमिल अलग तिरुवनंतपुरम के सॉरी वो तिरसनापल्ली जाओगे तो वहां की जो तमिल मिलेगी वो अलग केरला के अंदर कालीकट जाओगे तो मलयालम अलग तिरुवनंतपुरम जाओगे तो मलयालम अलग दुनिया की प्रत्येक भाषा में खूब सारी बोलियां होती है बोलियां जो बोलने का तरीका था उसको बोलते हैं बोली जो लिखने का तरीका होता है उसको बोलते हैं भाषा और जिस भाषा में जितनी अधिक बोलियां होती है भाषा उतनी रिच होती है इस लिहाज से राजस्थानी सबसे रिच लैंग्वेज है इकहत्तर बोलियां हैं और हम कहते हैं कि साहब कोस कोस पर बदला पानी तीन कोस पर बदला कि मतलब गांव से गांव में चेंज है कि अपना गांव और दस किलोमीटर आगे छोड़ के अलग गांव है उसकी भाषा अलग है तो अपने तो गांव में पहले कहते थे कि लड़कियों की शादी करते लड़की पहली बार ससुराल जाके वापस आती तो भी तीन चार आपके सासरे के टप्पे सीख के आती और गाँव में कहते के सासरे को रंग आयो कि भाई इतने जल्दी उधर वाली भाषा कैसे बोलने लग गई दस किलोमीटर दूर है भाई का सासरा लेकिन उसके बावजूद वहां पर संडासी को संडासी नहीं बोल रहे कुछ और बोल रहे हैं वहां वाला शब्द अलग चेंज हो रहा है वहां डेग ची डेगची नहीं है वहां कुछ पतीली लिए दूसरा शब्द होता जा रहा है आपके पास में हरियाणा वाली अपने टच करती है ये सिरसा हिसार वाली ये हरियाणा वाली अपना चूरू शिक्षर झुंझुनू हनुमानगढ़ का कोई आदमी बोल देगा आप बोलो देखिए रोत तक झज्जर उधर निकलो फिर वो हरियाणवी बोल के बताओ देखिए कैसे बोली जाती है आपसे क्यों क्योंकि इधर वाली हरियाणवी अलग उधर वाली हरियाणवी अलग इसका मतलब दुनिया की कोई भी भाषा एक जैसी तो नहीं होती है उन भाषाओं के बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं तो राजस्थानी की भी खूब सारी बोलियां हैं तो इस बार कोई आदमी आपको कहे कि साहब कौन सी भाषा को मान्यता मिले यहां तो खूब सारी है तो उसको कहना कि छोड़ दिया तेरे को दया की तेरे पे तो दया का पात्र है कि कम से कम भाषा और बोली में फर्क तक नहीं समझता है कि भाषा अलग चीज होती है और बोली अलग चीज होती है हम बेहद दुर्भाग्यशाली लोग हैं जब राजस्थान भारत के अंदर मिलाया गया था तब राजस्थान में एक परसेंट लोगों को भी हिंदी नहीं आती थी सिंगल वन परसेंट इतने लोगों को भी अपने हिंदी नहीं आती थी अपने पूरा काम काज राजस्थानी में होता था और जब ये लोग आगे कहते हैं कि भाषा अलग अलग थी तो उनको मूर्ख हो फिर मेवाड़ का राजा मारवाड़ के राजा को लेटर लिखता तो तो फिर कोई भाषा तो होती होगी किसी में तो समझते होंगे ना तो उन्होंने हिंदी लिखी कभी ना उन्होंने कभी इंग्लिश लिखी फिर कौन सी भाषा में उनके लेटर आदान प्रदान हुआ कर देश थे मेवाड़ देश मारवाड़ देश को लेटर भेजता है तो कोई भाषा में तो भेजता होगा तो कौन सी भाषा के अंदर लेटर भेजे जा रहे थे राजस्थानी में हजार सालों का राजतंत्रों का इतिहास पड़ा है उस हजार साल हजार सालों के दौरान कोई तो भाषा विकसित हुई होगी हमारे यहाँ पे और तुम आगे कह देते हो साहब भाषा ही नहीं अपने तो संविधान सभा जब चल रही थी तब नेहरू जी और ये जितने नेता थे ये यूपी बिहार के नेता थे और इन यूपी बिहार के नेता राजेंद्र प्रसाद बिहार से नेहरू जी आपके यूपी से और बड़े बड़े नेता देख लो यूपी बिहार के थे सारे के सारे और इनका ये कहना था कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाए और जब ये कहा गया हिंदी देश की राष्ट्रभाषा हो तो साउथ ने वीटो कर दिया और साउथ ने कहा कि यदि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा भी भारत में नहीं मिलेंगे हम हमारा अलग से देश बनाएंगे, नाडू। देश बनाएंगे कौन सा बना लेंगे हम हम द्रविड़ हैं अलग से हमारा देश बनाएंगे नाडू बनाएंगे तो कहा गया कि नहीं साहब देश की लैंग्वेज इंग्लिश कर दो पर हिंदी को बढ़ावा देंगे एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में हिंदी आ जाएगी तब देश को हिंदी को क्या बना देंगे देश की नेशनल लैंग्वेज बना देंगे ठीक है अब वो एक दिन कैसे आएगा जब सब जगह हिंदी बोलने लगेंगे तो नेहरू जी को पता था साउथ तो हिंदी के नाम पे आज माने कल माने तो क्या किया जाए तो नॉर्थ को मनाने की कोशिश की नॉर्थ में उन्होंने पंजाब को हरियाणा को तो ये बोलते थे हिंदी पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात अपने गोवा अपने सबको गो का कि यार तुम लोग थोड़ा हिंदी पढ़ो यार और तुम लोग हिंदी पढ़ोगे तो यहां पर खूब सारे लोग हिंदी बोलने लग जाएंगे एक टाइम आएगा जब बड़ी पॉपुलेशन हिंदी वाली होगी और उस दिन अपने हिंदी को देश की क्या बना देंगे राष्ट्रभाषा नेहरू जी की इस बात को केवल हमने माना हमारे अलावा किसी ने नहीं माना पंजाब में साइन बोर्ड भी हिंदी में नहीं होते हैं या तो पंजाबी में या इंग्लिश में तीसरी लैंग्वेज है उर्दू साइन बोर्ड उर्दू में मिलेगा हिंदी में नहीं मिलेगा साइन बोर्ड आपको महाराष्ट्र में आप दुकान का नाम हिंदी में रख लो ना तो शाम से पहले पहले शिवसेना वाले कूट कूट के बालाजी बना दे आपको मुझे हिंदी में टैक्सी के आगे नाम लिख के दिखा दो आप लोग हिंदी के अंदर नाम लिखे दुकान का नाम हिंदी में लिख के दिखा दो ये सेम बात गुजरात में ये गोवा वालों की कोंकणी तो ये हिंदी वाला परचम इंडिया में को लेके चला तो हम चले जयनारायण व्यास हमारे सीएम थे जय व्यास ने कहा कि ठीक है हम हमारे यहां पे राजस्थानी नहीं लगाएंगे उसकी जगह पे क्या लगा देंगे हिंदी अब हमारे दिक्कत दूसरी भी अब यदि राजस्थान में हिंदी पढ़ाई जाएगी तो टीचर कहां से लाए हमारे कोई टीचर जानता ही नहीं था इसलिए हमने टीचर हायर यहा यूपी से इसलिए यदि पापा जी या दादाजी की उम्र के लोग पढ़े लिखे हो घरों के अंदर तो उनसे पूछना कि उनके हिंदी के टीचर कौन थे क्लास के अंदर सब टीचरों के नाम मिलेंगे सुरेंद्र द्विवेदी त्रिभुवन चतुर्वेदी ये दुब्बे चौबे सारे के सारे यूपी से बुलाने पड़े अपने पढ़ाने के लिए कायस्त सक्सेना श्रीवास्तव इस प्रकार के मिलेंगे आपको अपना लोकल आदमी एक भी दो पीढ़ी पहले हिंदी का टीचर राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि अपने यहाँ के लोगों को हिंदी आती नहीं थी धीरे 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 हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा तब आपको और मेरे को भी हिंदी आने लगी इसलिए आज अपने में से भी को हिंदी लिटरेचर का टीचर बन जाता है हिंदी लिटरेचर उसको आने लग जाती है हिंदी पढ़ाने लग जाता है पहले हिंदी वाला नहीं था दुर्भाग्य यह था वो दुबे और चौबे जिनको कभी राजस्थान ने रोजगार दिया था राजस्थान ने उनको पढ़ाने के लिए बुलाया था उन लोगों ने बाद में सबसे अधिक इस बात का विरोध किया कि राजस्थानी को मान्यता दो मुझे लगता है नमक का कर्ज भी नाम की कोई चीज होती होगी नमक हराम हो लोगों एहसान फरामोशो कम से कम हमारा नमक खाया था रे हमसे रुपए लिए थे तुमने तुम ये कैसे कह सकते थे कि राजस्थानी भाषा नहीं हिंदी का प्रकार है हिंदी भारत में तब भाषा बनी थी जब मुसलमान आए थे मुसलमानों के आने से पहले हिंदी भारत की भाषा ही नहीं थी हमारी भाषा तब से है जब से उद्योतन सूर्य आठवीं शताब्दी के अंदर कौल माला लिख रहा था उससे भी पुरानी हिस्ट्री पड़ी है तुम्हारी हिंदी कल की भाषा है इसलिए तुम्हारी हिंदी में गिने चुने वर्ड है गिणे चुने हमारे राजस्थानी में शब्दों का अथा भंडार है तुम्हारी हिंदी में आज भी गाय का बच्चा कि बछड़ा भैंस का बच्चा कि बछड़ा तुम्हारे दूसरा शब्द नहीं आता हमारे है कि गाय का बच्चा टोगड़ियो भैंस का बच्चा पार्टी हम अलग अलग बोल रहे तुम्हारे आज भी कुत्ते का बच्चा की पिल्ला बिल्ली का बच्चा कि पिल्ला हमारे है कुत्ते का बच्चा कुकरियो बिल्ली का बच्चा का मिनीो तुम्हारे उधर भेड़ का पति की भेड़ भेड़ का पति नर भेड़ हमारे यहां गेटो, मिंडो तुम्हारे उधर ऊंट की पत्नी की ऊंटनी ये क्या नाम हो है? ऊंट का ऊंट हम कहते हैं सांड तुम्हारे उधर सूअर की पत्नी की मादा सुअर, हम कहते हैं बूढ़ने ऊंट के 400 सौ पर्याय वाची है चार खाली ऊंट के कि ऊंट पैदा होता तब है? तब है? है तब क्या कहते हैं चलने लगता है तब क्या कहते हैं दौड़ता है तब क्या कहते हैं जवान होता है तो क्या कहते हैं बूढ़ा होता है तब क्या कहते हैं सर्दी में उसको क्या बोलते हैं गर्मी में उसको क्या बोलते हैं के लग जाती है तब क्या बोलते हैं बैठता तब क्या बोलते हैं खड़ा होता चार सौ खाली ऊंट के प्रियवासी और तुम कहते हमारी भाषा नहीं भाषा जितनी पुरानी होगी उसमें उतने ज्यादा शब्द आएंगे नई भाषाओं की विशेषता शब्द कम पुरानी भाषाओं की विशेषता शब्द हमारे है खूब सारे शब्द पड़े तुम्हारे हिंदी के पास नहीं है इतने शब्द हिंदी ने शब्द लिए भी हैं तो हमारे हमारे शब्द ले लेंगे हिंदी जैसे तैसे अपना काम चलाती है हम इसके लिए भी तैयार थे कि नहीं फिर भी देश देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज होती है इसलिए देश की भाषा एक ही हो नीचे देश की भाषा हिंदी हो अंग्रेजी हो जो लगानी है वो लगाओ पर वो देश की भाषा एक हो आपने कहा हिंदी लगाएंगे हम हिंदी के लिए तैयार थे हमने हमारे टाबरों की जीप काटी हमारे टाबरों को आगे तुम राजस्थानी नहीं बोलोगे तुम हिंदी बोलोगे और हमने हिंदी को पूरा मान और सम्मान दिया पर इस तर्ज पे नहीं इस पे नहीं कि तुम हमारी भाषा को खा जाओ और तुम कल को आके कहो कि राजस्थानी नाम की कोई भाषा होती नहीं है तब जी करता की कूटे इनको पकड़ पकड़ के कैसे कैसे बोल सकते हो यार हमारी भाषा नहीं है इतना बड़ा मतलब हिंदी लिटरेचर में पृथ्वीराज रासो पढ़ाते हैं पृथ्वीराज रासो इनके हिंदी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है मीराबाई इनके हिंदी लिटरेचर के अंदर पढ़ाई जाती है मीराबाई कौन सी हिंदी बोलती थी पृथ्वीराज रासो वाली कौन सी हिंदी है कन्हेलाल सेठिया से 92 में एक बार भूकड़ताल की थी उन्होंने संसद के आगे तो किसी मूर्ख पत्रकार ने पूछ लिया वैसे भी पत्रकारों के पास बुद्धि होती नहीं पत्रकार ज्यादातर वो है जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ जो थर्ड ग्रेड मास्टर नहीं बन पाता भारत में पत्रकार बनता है तो पत्रकारों से ज्यादा कुबुद्धि तो कोई होता ही नहीं है वैसे कुबुद्धि तो छोड़ बुद्धि होती नहीं निर्बुद्धि होते हैं कु तो अलग चीज हो जाती है तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप आपका जो राजस्थानी को मान्यता दो राजस्थानी तो भाषा है ही नहीं तो सेठिया जी की बहुत अच्छी लाइन है कि मीरा कह गई बिन मानो भाषा राजस्थानी मीरा कह गई हमारे पूरा साहित्य है उसका बंदा बंदा मीराबाई के वात पढ़ानी है गुजराती में। तुम्हें प्रचुराज पढ़ाना है हिंदी में और इन सब को जाओगे और फिर बाद में कहोगे साहब राजस्थानी नाम की कोई भाषा ही नहीं होती प्लीज आप लोग कभी किसी को मत कहना राजस्थानी भाषा नहीं होती और जब भी कोई ये तर्क दे कि तुम गंगानगरी में अलग बोलते हो जैसलमेर अलग बोलते ये बोली है तू नहीं समझता तो इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है कि भाषा अलग चीज होती है बोली मैं जब बोलता हूं तो मैं मैं अभी आपसे पूछू यार कितना टाइम हो गया तो आपका जो अरे सर वो तो दस बज गए सर ये सेंटेंस गलत है कितना टाइम हो गया क्या लिख सकती हो क्या इसको आप लोग कितना समय हो चुका है कितना कोई शब्द नहीं होता है कितना होता है पर मैंने बोला तब आपको कतई गलत नहीं लगा नॉर्मल बोल क्योंकि बोलियां अलग चीज होती है बोलचालियों में अनौपचारिकता होती है भाषा में औपचारिकता होती है भाषा में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या लिखना और क्या नहीं लिखना बोल क्या कितना टाइम ही नहीं बोलते अपने बोलते कितना टाइम हो गया तो भी चल रहा है टाइम है? है, है ना पर आप उसको टेम बोलते हो तो भी कोई आपका गलत नहीं बताता पर टेम लिख दो तो तो कोई बंदा कह गया यार लिख तो सही यार बोलते टाइम एक बंदा आपको निकल के टाइम तीन बजे चार बजे सारी बातें आ रही है उसके अंदर अपने आप के अंदर इसका मतलब बोली अलग होती है और भाषा 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 है समझ में तो कौन सी है राजस्थानी है? है कभी दिन फिरेंगे तब हम वापस बोलने लगेंगे बस सरकार मान्यता दे नहीं दे अरे चुप रह रहे तो। बीच में एक तो चर 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 किसने सिखाया पता नहीं तुम्हें सबसे भयंकर दिक्कत यह है कि हम इस गिल्ट से नहीं निकल पा रहे जब तक हम लोग हमारी भाषा पे गर्व करना नहीं सीखेंगे ना तब तक ये समस्या रहेगी हमारे अंदर गिल्ट है कहीं ना कहीं कि यार हम ये भाषा बोलते हैं इसलिए अपना हर आदमी थोड़ी सी डंकी सी जगह पे पहुंचते ही इस भाषा को छोड़ता है विजय सर आगे, आगे आपको आगे, पढ़ाने आएंगे इकोनॉमी में पढ़ाने आएंगे विजय सर पहले किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब क्या करते पुना तो वो यार हमारे जो मैनेजर था जो भी सीईओ टाइप का बंदा रहा होगा उनका वो उड़िया था उड़ीसा का था और हमारे जो वॉचमैन था मतलब गेटकीपर वो उड़िया था और वो डेली दोनों उड़िया में बात करते मुझे लगता है राजस्थान का बंदा यदि सीईओ बन जाए तो पहली बात तो वॉचमैन से बोले ही नहीं अपने में एक अलग एटीट्यूड आता है कि वॉचमैन से क्या बात की जाए और बोले तो राजस्थानी पक्का ही नहीं बोले वो से हिंदी इंग्लिश सब में बोलना पसंद कर लेगा लेकिन अपने वाली भाषा में बोलना पसंद नहीं करेगा इसलिए जब तक हाँ भाषा सीखी जानी चाहिए मुझे तो इस बात का बड़ा यूं अफसोस रहता है कि यार मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती इंग्लिश क्यों मुझे तमिल तेलुगु क्यों नहीं आती ये भाषा आनी चाहिए यार खूब सारी भाषाएं आनी चाहिए अपने को भाषाएं सीखेंगे खूब सारी पंजाबी आती है तो मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो अपने को पंजाबी आती है इसके अंदर अपने समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं बोल लेते हैं सब कर लेते हैं बाकी भाषाएं भी सीखी जाए पर अपनी भाषा को मार के नहीं लोग कहते हैं हिंदी में क्या दिक्कत है मैं को राजस्थानी माँ है हिंदी मौसी है माँ माई होती है मौसी मौसी होती है मौसी कितना ही लाड लड़ रहा है लेकिन माँ जितना प्यार तो आज किया जाए कल किया जाए तो तो मौसी वाला प्यार हिंदी को दिया जाएगा हमेशा दिया जाएगा हिंदी पढ़ पढ़ के बड़े में रोजगार की भाषा है पेट हिंदी भर रही है हिंदी सम्माननीय है पर खुद वाली माँ को मार के तो नहीं उस भाषा का अपने आप ट्रेंड रहेगा पंजाबी का कोई नेता मुझे बता दो पंजाब में भाषण दे हिंदी में दे दे मतलब मुझे परसों बड़ा जोरदार लगा के एस आर राव तेलंगाना का जो सीएम है एस आर राव तेलंगाना का सीएम है वो वहां पे भाषण दे रहा है तेलुगु के अंदर भाषण दे रहा है तेलुगु में भाषण देते, देते देते बीच में उसने दो मिनट हिंदी बोली तो मीडिया की खबर क्या है पता है कि हिंदी का प्रयोग इसलिए क्या ताकि बाकी भारत को भी बताया जा सके वो कोई बोल रहा था बीजेपी की आलोचना कर रहा था वो किसी बात पे कि बाकी भारत को मैसेज दिया जा सके कि देखो मैं भी बड़ा नेता हूं और बीजेपी की आलोचना करता हूं इसलिए उसने बीच में दो मिनट के लिए क्या बोली हिंदी इसका मतलब उसका पूरा भाषण बाकी किस में तेलुगु क्योंकि वो जानता है कि मैं मेरे जिन लोगों को संबोधित कर रहा हूं इनकी भाषा क्या है तेलुगु अपने सारे नेता हिंदी में भाषण देते हैं कि रैली के अंदर भी जाके हिंदी के अंदर भाषण दे रहे हैं अरे जनता सामने ठे टिपिकल तुम्हारे सामने जो बैठी हो राजस्थान की है तुम इनको हिंदी में कैसे संबोधित कर सकते हो राज्य का मुख्यमंत्री पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी को संबोधन दे रहा है हिंदी के अंदर संबोधन दे रहा है यहां तो बोल वरना मुझे बता दो पंजाब वर्ल्ड कप देते हैं या मोदी जी का दो से पहले गुजरात का एक भाषण बताओ जो हिंदी के अंदर

फिर किसी से ट्रांसलेशन करवाया दो चार कविता पढ़ी अच्छी तो लगी लेकिन ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन ही होता है व्यक्ति भाव थोड़ी समझ पाता है भाव तो तभी आ पाते हैं जब खुद की भाषा हो इसका मतलब मोदी वाली पूरी बुक तो किस में है नहीं लिखी ना उसने हिंदी में उसकी मदर टंग है उस बंदे को इस बात पे बड़ा गर्व है कि मेरी भाषा गुजराती है और मैं यदि बुक लिखूंगा तो किसके अंदर लिखूंगा गुजराती के अंदर अपने यहां मरे पड़े हिंदी के पीछे तो हमारी भाषा हिंदी नहीं है हमारी भाषा क्या है फिर वो कहता नहीं सर अब तो हमारी भाषा हिंदी है मगर भाषा वो होती है जो मां बोलती है मातृभाषा बोलते हैं उसको केवल भाषा नहीं बोलते और मम्मी तो अभी तक भी अपनी ज्यादातर राजस्थानी बोल रही है इसलिए आप जनगणना वाले आएंगे कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी जनगणना वाले आएंगे घरों में वो पूछेंगे तुम्हारी भाषा कौन सी है प्लीज घर वालों को कहना कि वो बताए कि हमारी भाषा राजस्थानी है वो पूछे तो भी राजस्थानी बताए कई बार क्या होता है जनगणना वाला पूछता ही नहीं अपने आप हिंदी लिख देता है तब उस गणा के मार साहब चेंज करो हमारा हिंदी का दूर दूर तक आपस में कोई भी लेना देना हमसे नहीं बोली जाती हिंदी हमसे बोली नहीं जाती है हिंदी इसलिए हम इतने घाड़मेड़ करते हैं बोलते टाइम क्योंकि हमारे ओरिजिनल वाला टच आने लगता है फिर हमसे ये सह नहीं बोले जाते कोई किता ही कहे कि शिव अलग होता है सटकोण अलग होता है सड़क अलग होती है अपने जो शिव सटकोण सड़क है और कभी मैं हमेशा नोटिस करता हूं कि हम छोटी क्लासों में जब कड़ा सीखते थे तो मार साहब जो करके सिखाते वो बताते एक एक वर्ड बताते कि यहां से बोलना है क निकलेंगे बाहर यहां से शुरू होंगे बाहर निकलते हुए वर्ड आएंगे ते, ते, दे, 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 ए जोर नहीं लगता सीधा सीधा बाहर आ जाएगा बाहर सीधे सीधे बाहर निकल के आएंगे आपके वर्ड अब वो सारों में बताते कै ख सब लाइनों में बताते लाइन आती है मार साहब कहते है

मैं उनसे 2019 में 2020 में कोरोना से ठीक थोड़े दिन पहले मैं उनसे मिलने के लिए गया था एज है तो काफी एज आई बुजुर्ग व्यक्ति है तो मैं उनसे यूं बात कर रहा था तो मैंने उनको कहा कि सर ये अपने से क्यों नहीं बोले जाते ऐसा क्या कारण होता है कि सह बोला ही नहीं जाता अपने से कितनी भी कोशिश कर ले मैंने कईयों से सीखने का भी प्रयास किया कि कहते हैं इसको यह बोलो इसको यह बोलो पर नहीं बोला जाता सर वही मेरे तो वही निकलता है जबकि मैं बाकी वर्ड फिर भी सीख लेता हूँ सर ये तो एकदम ही नहीं सीखा जा रहा है मेरे से तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ कंठों के नीचे एक वाइब्रेशन कोड होता है ये तीनों से वाइब्रेट करते हुए बाहर निकलते हैं वाइब्रेशन की जरूरत होती है अपने यहाँ पे गर्म प्रदेश था इसलिए अपना वाइब्रेशन कोड जल जाता है और वाइब्रेशन कोड जल जाता है इसलिए तीनों से वाइब्रेट कर ही नहीं पाते इसलिए एक जैसे होते हैं तो मैंने कहा सर ये समस्या अपने साथ ही उनका नहीं दुनिया में सब लोगों के साथ इस प्रकार की समस्या होती है उनका वे लोग जो समुद्र के पास में रहते हैं उनका वाइब्रेशन कोड बहुत लचीला होता है इसलिए समुद्र के पास में जो भी लोग रहेंगे बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे आप कभी तमिल तेलुगु इनकी भाषा सुनो आपको ये लगेगा किसी मटके में कंकर डाल के हिला दिए इतना जल्दी 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 बोलेंगे आपको तमिल कीर देख लो और उनकी भाषा सुनो और उन्होंने कहा अपने जितने समुद्र से दूर है जितना गर्म है इतना शब्दों में ठहराव है वो धीमे 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 बोलेंगे तो मेरे से मजाक कर रहे थे कि अपने तो गांव में लुगई की बात सुन तो बात ही करो तो खींचेगी रामूडरा पापा तो उस पापा वर्ड को खींच रही है वो कितना ठहराव है शब्दों तो के साथ में कितनी जुड़ी हुई है तो यदि आपको इस बात पे गिल्ट होता है कि हम हिंदी से ही नहीं बोल पाते तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति हिंदी के लायक नहीं है हमारी भौगोलिक परिस्थिति जिस भाषा के लायक थी वो भाषा हमने सीखी है बहुत अच्छे से वो भाषा सीखी है वो भाषा हमारे राजस्थानी है तो अगला राजा लेखो सूरत से